नमस्कार प्रियजनों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपके अपने शुभचिंतक। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष श्राद्ध की। पितृपक्ष 2018 श्राद्ध शुरू होने वाले हैं। इस बार श्राद्ध पक्ष संवत 2075 भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी दिनांक 24 सितंबर 18 सोमवार से आरंभ होगा। अश्विनी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी दिनांक 8 अक्टूबर 2018 सोमवार को समाप्त होगा। भाई बहनों, आज हम बात करेंगे कि श्राद्ध क्या है और क्यों मनाया जाता है। जीवित माता पिता और गुरुजनों की सेवा करना तो मानव कर्तव्य है, परंतु उनके मर जाने पर शरीर की दाह संस्कार आदि क्रियाओं द्वारा जब मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है और आत्मा शरीर के बिना खाने पीने की योग्यता नहीं रखती, अतः पुण्य कर्मानुसार गर्भ में चला जाता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मृत व्यक्ति के पीछे किए जाने वाले कर्म को आधुनिक व्यक्ति ढोंग बताते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में श्राद्ध के संबंध में इतने विस्तार से विचार किया गया है कि इसके सामने अन्य समस्त धार्मिक कार्य गौण बहुत कम महत्व के लगते हैं। श्राद्ध के छोटे से छोटे कार्य के संबंध में इतनी सूक्ष्म मीमांसा और समीक्षा की है कि विचारशील व्यक्ति चमत्कृत हो उठते हैं। मनोविज्ञान के अध्ययन करने वालों के लिए श्राद्धीय विवेचन अध्ययन की सामग्री है। शास्त्रकारों ने अपने पांडित्य और मनोविज्ञान को प्रदर्शित किया है। नया मकान बनवाने पर, समृद्धि प्राप्त होने पर, देश में कोई नई असाधारण घटना होने पर, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने पर, पुत्र जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह, कन्यादान आदि के अवसरों पर जब परिवार में सभी लोग मिलकर उत्सव मना रहे हों, सबका मन उत्साहित हो, उस समय अपने स्वर्गीय बंधुओं की स्मृति आना नितांत स्वाभाविक है। बंधुओं, यह इच्छा भी उस समय अवश्य जागृत होती है कि यदि इस अवसर पर माता रहती, पिता रहते, बड़े भाई रहते, दूसरे आत्मीय रहते तो उनको कितना आनंद प्राप्त होता। जो हमारे सुख में अपनी अंतरात्मा से सुखी होते थे, दुख में दुखी होते थे, उनकी स्मृति मिटाई नहीं मिट सकती। अतः यह इच्छा स्वाभाविक है कि वह अज्ञात लोक के वासी भी हमारे उल्लास में, आनंदोत्सव में सम्मिलित हो, शरीर से ही नहीं आत्मा से हमारे साथ रहें। अतः उनके प्रति श्रद्धान्वित होना और श्रद्धा निवेदित करना स्वाभाविक हो जाता है। उनका शास्त्रीय मंत्रों द्वारा मानसिक आह्वान पूजन ही श्राद्ध है। इस मनोवैज्ञानिक सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मन की भावना बड़ी प्रबल होती है। श्रद्धा विभूत मन के सामने स्वर्गीय आत्मा जीव और साकार हो उठती है। श्राद्ध में माता पिता आदि के रूप का ध्यान करना आवश्यक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। अनेक श्रद्धालु लोगों का यह अनुभव है कि श्राद्ध के समय माता पिता या किसी अन्य स्नेही की झलक दिखाई दी। भगवान राम ने जब अपने पिता का श्राद्ध किया तो पिंडदान के बाद भगवती सीता को दशरथ आदि पितरों का दर्शन कराया था। यह निरी कल्पना नहीं है। आज का मनोविज्ञान भी श्राद्ध के इस सत्य के निकट पहुंचता जा रहा है। भाई बहनों, पकाए हुए श्रद्धा पकवान व दूध, दही, घी आदि का श्रद्धा पूर्वक पितरों के नाम दान करने का नाम ही श्राद्ध है। देश, काल, पात्र के अनुसार तिल, कुश, जल के साथ दिया हुआ दान ही श्राद्ध है। इससे यह सिद्ध है कि शास्त्रीय विधि विधान से पितरों के निमित्त उन्हें तृप्त करने हेतु दिया हुआ दान ही श्राद्ध है। जब हम अपना दिन मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं। उसी तरह मृत प्राणी को उनके मरण तिथि के दिन मृत आत्मा के निमित्त श्राद्ध करने से तृप्ति मिलती है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। यह बात सत्य है, पर उसमें अवधि का निर्देश नहीं है। अगर हमारे माता पिता, हमारे पितामह आदि देवलोक में है तो अमृत रूप से और किसी अन्य योनि के कर्मानुसार चले गए हैं तो वह श्रद्धान उसी योनि में खाने योग्य वस्तु रूप में परिणित होकर उन्हें मिलेगा, जैसे यहाँ से किया गया। जो भी उनके प्रति किया जाता है वो उनको मिलता है। हम हमारे वंशजों का श्राद्ध करते रहते हैं, उसी दिन हमें अकस्मात मिष्ठान, वस्त्र व धन प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जब पितर यह सुनते हैं कि श्राद्ध काल उपस्थित हो गया है तो वह एक दूसरे का स्मरण करते हुए मनोनय रूप से श्रद्धा स्थल पर उपस्थित हो जाते हैं और ब्राह्मणों के साथ वायु रूप में भोजन करते हैं। यह भी कहा गया है कि जब सूर्य कन्या राशि में आते हैं तो पितर अपने पुत्र पोत्रों के यहाँ आते हैं। विशेषतः अश्विनी अमावस्या के दिन वह दरवाजे पर आकर बैठ जाते हैं।
यदि उस दिन उनका श्राद्ध नहीं किया जाता तब वे श्राद्ध देकर लौट जाते हैं, अतः उस दिन पत्र पुष्प फल और जल तर्पण से यथाशक्ति उनको तृप्त करना चाहिए, श्राद्ध विमुख नहीं होना चाहिए। अतः हर व्यक्ति को अपने पितरों की प्रसन्नता हेतु शास्त्र के द्वारा बताई गई विधि से श्राद्ध जरूर करना चाहिए, ताकि श्राद्ध से तृप्त हुए पितर हमें आयु, संतान, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य भी देके जाएं। इसलिए बंधुओं, भाईजनों, सब लोग पितरों का श्राद्ध जरूर करें और आपको पितृदेव बहुत बहुत खुशियाँ दे, आपके सुख संपत्ति संतान दे। और इसी मंगल कामना के साथ मैं, आप इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, घंटी भी दबा दें ताकि अगला वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।